इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। जिला पुलिस गांधरबल की जानिब से आज गांधरबल के मादर मेहरबान स्टेडियम में शहीद अल्ताफ हुसैन टूर्नामेंट का आगाज किया गया। आपको बताते चले कि ये टूर्नामेंट पुलिस प्रीमियर लीग के नाम से रखा गया था, जबकि पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन की जानबाजी पर टूर्नामेंट का नाम उसी से मंसूब किया गया। इस टूर्नामेंट में बहसित मेहमान खसूसी जम्मू व कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह मौजूद थे और उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, गांधरबल के एसएसपी खलील पोसवाल और दीगर अफसरान भी इस तकरीब में शरीक थे। टूर्नामेंट का इब्तदाई मैच कंगन यूनाइटेड और डब एवरग्रीन 11 के दरमियान खेला गया। इस मौके पर पुलिस सरबरा ने अपने अल्फाज बयान करते हुए कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हर सतह पर हौसला अफजाई करते हैं और हम बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो नौजवान खेल कूद के साथ वाबस्तगी रखते हैं वो इस फील्ड में मेहनत करके अपना लोहा मनवाए। जुल्फिकार हुसैन, मैं एवरग्रीन क्रिकेट क्लब डब को रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि हमारा आज मैच होने वाला है, इनॉग्रेशन मैच है जो जेकेपी की तरफ से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। हमारा मैच जो है कंगन यूनाइटेड के साथ है, तो हम इस बारे में ये बताना चाहते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है टूर्नामेंट जेकेपी की तरफ से, यानी कि इसमें 64 टीम जो है गांधरबल की वो पार्टिसिपेशन कर रही है, तो इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव मानते हैं टूवर्ड्स हिडन टैलेंट, क्योंकि इससे जो टैलेंट है जो कि दूर दराज क्या कहते हैं कि गाँव में छुपा हुआ है क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हम इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मानते हैं क्योंकि बहुत सारी लीग्स जो चल रही है अराउंड जे एंड के इस टाइम या अराउंड स्टेट जो चल रही है तो उनमें बहुत सारा एंट्री फी जो है बहुत सारा हाई होता है, यानी कि हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता उन टूर्नामेंट्स में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी गई है जेकेपी की तरफ से, उन्होंने बोला आ जाओ यहाँ पे परफॉर्म करो और जो जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का, और जो टैलेंट दिखाएगा वो जाके आगे जाके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, रांची में परफॉर्म कर सकता है या उसकी जो लक हो या टैलेंट हो उसके बिना पे वो आगे भी जा सकता है अपने नेशनल या इंटरनेशनल टीम्स में। तो हम इसको अच्छा इनिशिएटिव मानते हैं और हम उम्मीद करते हैं जेकेपी गांधरबल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एसएसपी साहब को कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे ताकि जो कि टैलेंट जो है यंग टैलेंट है वो उभर के सामने आ जाए और उनको हेल्प मिले और बूस्ट अप हो जाए अपनी परफॉर्मेंस अपना टैलेंट दिखाने में। टूर्नामेंट आज जो यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से पुलिस प्रीमियर लीग, ये हमारी इस वक्त जो कड़ी चल रही है अलग अलग जगहों पे उसकी चौथी कड़ी इस वक्त आपके सामने है। इससे पहले श्रीनगर में पीपीएल हो चुका है, हंदवाड़ा में हो चुका है, अनंतनाग में हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पर गांधरबल में करने जा रहे हैं। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हमारा जो यूथ है, नौजवान है जो खेल कूद में बहुत रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, मगर एक माहौल बीच में कोविड की वजह से ऐसा गुजरा कि ज्यादातर लोगों को घरों के अंदर ही बंद रहना पड़ा। अब ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा सा अनलॉक की प्रक्रिया चली है, इसमें बाकी कुछ एक्टिविटी शुरू हुई है। इसके साथ हमने जो टूर्नामेंट की एक्टिविटीज है, खेल कूद की एक्टिविटीज है, फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी है और इसी का हिस्सा है कि ये प्रीमियर लीग जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रही है, 64 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। अल्टीमेट मकसद हमारा ये है कि हम ऐसी कश्मीर की दो टीमें निकालें जिनका बाद में जो स्टेचर है नेशनल लेवल पे किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का बने और उसमें कश्मीर 11 किस्म की कोई टीमें हमारी निकले जो जम्मू कश्मीर पुलिस के नाम को साथ लेकर के जहां जहां जाए खेले और हम लोग अपनी टीम्स को प्रमोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे जो बहुत अच्छा हुनर रखते हैं उनको अपने हुनर को नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्ले करने का मौका मिले। इसीलिए ये जो इवेंट हमारी है आज की, इसको हमने अपने शहीद जो साथी हैं उनके नाम पे डेडिकेट किया है। कल वाटर स्पोर्ट शुरू हुई थी श्रीनगर में, अनफॉर्चुनेट ये वाकया ऐसे टाइम पे हुआ जब हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर तैयारियां कर रहे थे खेल कूद की जगह जगह, मगर हमें इस काम के साथ अपने फर्ज अपनी ड्यूटी को भी साथ में निभाना है। अपनी ड्यूटी की अंजामदेही के दौरान हमारे साथी जो जांबाज साथी बहुत ही दलेर, बहुत ही बहादुर
अल्ताफ हुसैन उन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी ड्यूटी को आखिरी सांस तक अंजाम देते हुए, हमें उनकी शहादत पे फख्र है। साथ ही हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उस परिवार के साथ हमदर्दी है जिस परिवार ने अपना बच्चा, अपना ब्रेड अंदर जो है उसको खोया है। हम लोग कोशिश करेंगे उस परिवार के साथ हर तरीके से जुड़े रहने की, सपोर्ट करने की, मगर हमें खेद है कि उस परिवार को इस तरह का इस वक्त जो है वो नुकसान पहुंचा है। हम शहीद साथी को सलाम पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से, और ये चाहते हैं कि वो जैसे बाकियों के लिए मशाले राह बने हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के बाकी कोलीग, बाकी साथी भी उनके नक्शे अमल के ऊपर ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपनी फर्ज शनासी को पहचानते रहें। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स, होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तियाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहाँ पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट, मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राबते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हम सफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फोन नंबर 9149494043, 0194351 8181।